अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ के गोद बलाहा गांव में महापंचायत हुई है और इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में अहीरों के बलिदान के आधार पर अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को फिर से दोहराया गया और सरकार से 2024 के आम चुनाव से पहले सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की गई। ऐसा नहीं होने की सूरत में महापंचायत में शामिल लोगों ने 2024 के चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि इस मांग को लेकर फरवरी 2021 से गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना चल ही रहा है। हर दो महीने के अंदर एक ऐसी सभाएं हो रही है और ऐसी होती रहेगी, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमारी रेजिमेंट में समाज से हूँ, मैं ही समाज से हूँ। तो मेरा सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं अपने समाज के साथ जुड़ूं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मेरे मित्रगण है, साथी है, जो किसी भी जाति से है, देखो जब जाट आरक्षण हुआ था तो सबसे पहले मैं खड़ा था। तो मेरे काफी यार दोस्त है जो जाट भी है, पंडित भी, सब मेरे साथी। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी हक की लड़ाई है और ये लड़ाई हमें आगे तक लड़नी है और हमारा जो अहीर रेजिमेंट का जो मांग है वो हमारी पूरी। तो हमारे पास अभी देखो चुनाव के लिए जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी तब एक बात कही थी कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। अगर सरकार हमारी 2024 तक अगर अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं करेगी तो आने वाले समय में सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगी। और तकरीबन 30-30 सांसद और 100 से ज्यादा MLA मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने आके आश्वासन दिया और हमारे यहाँ के प्रतिनिधि ने भी लेटर के द्वारा उन तक बात पहुंचाई है, पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। अब वो समय आ चुका है कि सरकार को हमें दिखाना पड़ेगा कि आने वाले समय में अहीरों की वोट की ताकत क्या है। इस सरकार को भी पलटने की तैयारी हम लोग करेंगे।